तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुखिया के लिए पद के लिए मुझे चुना और मैं उनके विश्वास पर खड़ी करूँगी। मैं उनके हर प्रॉब्लम को हर समस्या को सुनूंगी और मैं उनका विकास करूँगी और गाँव का भी विकास करूँगी। और सबसे कम उम्र की एक उम्मीद प्रत्याशी है और जीत हासिल की है, और युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत आगे तक जाएं, वो भी गांव के लिए कुछ अच्छा करें ताकि हमारा भी गांव आगे रहे। जैसे हर शहर आगे है गांव से, वैसे ही गांव भी शहर की तरह आगे होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुकी हूं। सब्जेक्ट कौन सा आपका? बीए आर्ट से मैंने किया। सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई की आपने? बैंगलोर से। लोग आम लोग देखते हैं कि अपने क्षेत्र से ही लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको बैंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? दूर इतना दूर? वैसी सुविधा नहीं है, पढ़ाई की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अब तो आपको मौका मिल गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप पंजाब में? कोशिश करूंगी देने की ताकि हर बच्चे को ऐसी सुविधा गाँव में मिल सके। अब जिले का सबसे युवा और प्रथम लेडी महिला और लेडी मुखिया है, तो क्या विशेष योजना रहेगा महिलाओं के लिए? आप महिला जो बेरोजगार है, जो काम नहीं कर पा रही है, उनके लिए ऐसा करूँगी ताकि वो भी कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके और अपना घर चला सके। क्या महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या प्लानिंग है आपको? जो महिला जिस काम में ज़्यादा अच्छा करती हैं उस काम को और आगे तक लेकर जाए ताकि उनका भी विकास। कुछ ऐसे युवा युवती जो है, छात्र छात्रा जो है, अपने पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें भी उनसे भी आग्रह करूँगी, आप भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे तक जाओ और कुछ अच्छा करो। आप पढ़ाई कर रही थी अच्छा खासा, फिर छोड़ के पॉलिटिकल में क्यों आ गई? आज जिम्मेदारी बढ़ गई है, समाज का, पंचायत का सेवा और पढ़ाई कैसे निभाएंगे आप? आपके मुखिया पूरे बिहार में सबसे आइकन मुखिया कौन है? दादाजी और 22 साल मुखिया रह चुके हैं, तो मैं उनको फॉलो करते हुए, उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया था लोगों के लिए, मैं भी उनसे प्रोत्साहन होकर मैं भी उन्हें की तरह 0.1% कुछ अच्छा कर पाऊँ गाँव के लिए। आगे क्या, आगे क्या, कौन सी पढ़ाई करनी आगे? अच्छा, जिस तरह से कुछ हिस्सों में शिक्षा का काफ़ी अभाव है, तो उसको दूर कैसे करेंगे आप? अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए एजुकेशन, अच्छे रूल्स और डिसिप्लिन होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ ताकि स्टूडेंट्स को मिल सके। आप जीत गई हैं मुखिया पद के लिए, सबसे पहला कार्य आपके लिए क्या रहेगा? लोगों को समझाना है ताकि वो दारू वारू ना पिए, ताश वाश ना खेले, गुंडागर्दी ना करें गाँव में, गोली बारूद ये सब ना करें, दंगे फसाद ना करें, इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को मैं लोगों को बैठा कर लोगों को समझाऊंगी ताकि किसी पे भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। पॉलिटिकल जो है सबसे एक टफ काम होता है, और आप इस उम्र में पॉलिटिकल में आई है, तो क्या कैसे इसको फेस करेंगी आप? चैलेंज काफ़ी होगा आपके सामने। लोगों को समझाते हुए, लोगों के साथ चलूंगी, उनकी समस्या को सॉल्व करूंगी। क्या नाम हुआ? मैं